नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर एक सर्वे कराया था कि मैं इकोनॉमिक्स की वीडियोस कैसे बनाऊं, जिसमें मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे कि कॉपी पे लिखकर या फिर डिजिटल पेन यानी पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाऊं। तो 80% जो लोगों का मत रहा वो कॉपी पे लिखी है। तो मैं आपके जो आपने डिसीजन लिया है मैं उसके साथ हूँ, और मैं अब आपके लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक हो या फिर समष्टि अर्थशास्त्र हो या फिर व्यष्टि हो या फिर हम कहें सांख्यिकी हो, इन चारों बुकों को जो कि 11th 12th में भी है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी है, मैं आपको कॉपी में लिखकर ही पढ़ाऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जिसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, चैप्टर 1 है और फर्स्ट पार्ट है इसका। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं जो कि पहले चैप्टर का नाम है, इसका पहला टॉपिक हम समझेंगे आज कि आर्थिक प्रणाली के समूचे क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है, समग्र उपभोग क्या होता है, समग्र निवेश क्या होता है, देशी आय क्या होती है और सामान्य कीमत स्तर क्या होता है, जो कि सभी आर्थिक प्रणाली के समूचे हैं। अगर इन सारी चीजों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं जो अभी मैंने बोली, तो वीडियो लंबा होगा, बट अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र समझना पड़ेगा कि आखिर ये अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र को अगर मैं समझाऊं आपको अपने तरीके से, मैंने पहले भी समझा रखा है, बट दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र को समझाने के लिए अर्थशास्त्र आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये हमारा क्या है, मानवीय विज्ञान है। अब इसे मानवीय विज्ञान क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है, सीमित संसाधन, जिन्हें हम सीमित संसाधन कहें या फिर हम इन्हें दुर्लभ संसाधन कहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दुर्लभ, या दुर्लभ संसाधन कहें, बात एक ही है भाई। अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उत्पादक या फिर एक समाज, देखिए अर्थशास्त्र में मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके, अधिकतम कल्याण हो सके। यानी दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं इसको अगर आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाऊं तो देखिए अर्थशास्त्र में क्या होता है, हमारे जो दुर्लभ संसाधन होते हैं, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को एक समस्या आ रही होगी कि ये दुर्लभ संसाधन और सीमित संसाधन क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों, जिसकी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में मांग हमेशा ज्यादा बनी रहती है उसकी सप्लाई से, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, हमारे खनिज हो गए, ये सभी हमारे दुर्लभ संसाधन है दोस्तों। दुर्लभ मतलब ये इस प्रकृति में
उतनी बड़ी मात्रा में नहीं है जितनी बड़ी मात्रा में इसकी मांग है। तो दुर्लभ संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनकी मांग पूरे विश्व में या किसी भी देश में सदैव उसकी सप्लाई से ज्यादा होते हैं, तो दुर्लभ हो गए। आपको समझ आ गई? तो ये जो अर्थशास्त्र है इसमें इन्हीं दुर्लभ संसाधनों का बंटवारा उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, इन तीनों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इन तीनों का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, इन तीनों को मतलब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो सके। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको पानी का। देखिए पानी एक हमारा क्या है, दुर्लभ संसाधन है। आप तो कह रहे होंगे कि भैया एक पूरे विश्व में एक तिहाई तो हमारा पानी है और आप कह रहे हो कि ये दुर्लभ है। देखिए मैं यहाँ पे पानी लिख रहा हूं ना, तो पानी का मतलब है पीने योग्य पानी, यानी मीठा जल, मीठा जल। और मीठा जल की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है पूरे विश्व में, भारत में भी है और भारत को छोड़ के अनेक देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अब पानी तो दोस्तों उपभोक्ता को भी चाहिए, उत्पादक को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए। तो एक जो अर्थशास्त्री होगा ना, जो इसके ऐसे तीन टुकड़े करेगा, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 10 लीटर पानी है पूरे विश्व में, तो वो क्या करेगा, 5 लीटर पानी दे देगा, यानी 5 लीटर पानी दे देगा उपभोक्ताओं को, 3 लीटर पानी दे देगा उत्पादकों को और 2 लीटर पानी दे देगा वो समाज को, जिससे उपभोक्ता को भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, जिससे उत्पादक को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और समाज का भी अधिकतम कल्याण प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जितनी भी हमारी सब्जियां होती हैं, जितने भी हमारे फल होते हैं, हमारी भूमि होती है, हमारा श्रम होता है, जितने भी हमारे दुर्लभ संसाधन हैं, उन दुर्लभ संसाधनों का इन तीनों में किस प्रकार बंटवारा किया जाए, इसकी जो विचारधारा है, इसकी जो मेथोलॉजी है, वही हमें समझाता है अर्थशास्त्र। इसलिए दोस्तों अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय माना जाता है, क्योंकि जो पूरा देश चलता है, जो उसकी वहां की देश की सरकार चलाती है या प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं, वो हमेशा अर्थशास्त्र के हिसाब से ही अपने आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अर्थशास्त्र को समझ आ गया। अब दोस्तों जो हमारे जनक थे अर्थशास्त्र के, वैसे तो कौटिल्य जिन्हें आप चाणक्य कहते हो, उन्होंने अर्थशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया था, पर उन्होंने इसको राजनीतिक रूप से प्रयोग किया था, ठीक है। परंतु दोस्तों एडम स्मिथ, जो हमारे एडम स्मिथ, ये हमारे अर्थशास्त्र के जनक हैं, इनका मानना था, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी इसकी, कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान, बहुत ही सिंपल सी बात, धन का विज्ञान है। इसको समझने के लिए क्या, देखिए अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं का उत्पादन करते हैं, जिसके बदले में दोस्तों हम श्रम के बदले में क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं, पूंजी के बदले में हम ब्याज देते हैं, भूमि के बदले में हम किराया देते हैं और दोस्तों उद्यम के बदले में हम लाभ देते हैं जो कि उनकी आय कहलाती है। उस आय को जब हम व्यय के रूप में बदलते हैं तो या तो हम कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर सेवा खरीदते हैं। अब कोई वस्तु खरीदो या सेवा खरीदो, जो धन यानी पैसा होगा उसमें कॉमन होगा। जैसे मुझे ये मार्कर खरीदना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मार्कर बेचना है तो मुझे पैसे लेने पड़ेंगे। तो जो धन है ना, वो आर्थिक विधियों में एक कॉमन इकाई यानी सांझी इकाई का कार्य करता है। इसलिए दोस्तों एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा था। और अगर मेरे से अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई विक्की आपके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो भाई मैं तो एक सिंपल सी बात कहूंगा कि आर्थिक आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान को, आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं भाई, बहुत ही सिंपल सी बात, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्थशास्त्र सीखना चाहते हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए 100% की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि संसाधन क्या होते हैं,
तो मैंने अभी आपको बताया कि संसाधन क्या होते हैं, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैं अगर कहूं कि भाई मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जो भी चीजें हमें इस प्रकृति में मिल जाती हैं वो संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने एक लॉजिक आपको समझाया कि भाई ये जो संसाधन है, संसाधन क्या होते हैं, जो भी वस्तु या सेवा जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करे यानी मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करे वो संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है सीमित और एक है असीमित। असीमित की अगर हम बात करें तो जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य सूर्य का प्रकाश, आपने कभी देखा है कि अर्थशास्त्र में सूर्य के प्रकाश का अध्ययन किया जाए? बहुत कम, क्योंकि ये अनलिमिटेड मात्रा में हमारे पास है। जैसे खारा जल हो गया, खारा जल, इसका भी अध्ययन बहुत कम किया जाता है। तो दोस्तों जो असीमित संसाधन होते हैं उनका अर्थशास्त्र में अध्ययन ना के बराबर किया जाता है, जबकि सीमित संसाधन, अभी सीमित संसाधन क्या होते हैं जिन्हें हम दुर्लभ संसाधन भी कह सकते हैं। भाई दुर्लभ संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनकी मांग उसकी पूर्ति से हमेशा ज्यादा होती है। इनकी क्या है भाई, इनकी डिमांड जितनी है ना उसके कंपैरिजन में इसकी सप्लाई ज्यादा है। तो सीमित संसाधनों से संबंधित कोई भी क्रिया हो, भले वो उपभोग से रिलेटेड हो, निवेश से रिलेटेड हो, किसी भी उपभोग निवेश किसी से भी रिलेटेड हो दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाता है दोस्तों अर्थशास्त्र में। जो एक व्यक्ति या एक एक देश से आर्थिक पक्ष से जुड़ी होती है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र क्या है तो मैं तो उसको कहूंगा कि आर्थिक क्रियाओं के विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपका बेस बनाने की कोशिश की, अब मैं आपको समझाता हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए मैं आपको, वीडियो भले लंबी बने आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी ये ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप डिजिटल पेन का इस्तेमाल करके करिए, मॉडर्न जमाना है। बट जो मजा इसमें है ना, क्योंकि ये मेरा नेचुरल है और मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, इतना अच्छा कंप्यूटर में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब ट्यूशन पढ़ाता हूँ आपको बच्चों को तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और मुझे काफी लंबा एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, और आपको दिखता भी होगा मेरे वीडियोस में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं, लंबे लंबे वीडियोस बनाऊं, बाल की खाल बताऊं आपको, तो मुझे कमेंट में जरूर यस लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि अर्थशास्त्र, मैंने आपको समझा दिया कि अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, या एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। अब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है इसकी आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में। अब दोस्तों मैं इसको समझाने से पहले, अर्थशास्त्र को समझाने से पहले मैंने आपको एक चीज समझाई यहाँ पे कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड जो भी एक देश की अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण और इनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण उत्पन्न होती है एक देश में, उन्हें हम कहते हैं आर्थिक समस्याएं। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बता दूं, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए अगर हमारे देश में आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, तो भाई इन आर्थिक क्रियाओं के कारण कुछ समस्याएं भी पैदा होंगी जिन्हें हम आर्थिक समस्याएं कहेंगे, भाई आर्थिक समस्याएं कहेंगे। अब ये जो आर्थिक समस्याएं होती हैं ये दो चीजों के कारण उत्पन्न होती है एक देश की अर्थव्यवस्था में। पहली कि संसाधन दुर्लभ है, यानी जितनी उनकी मांग है उनके कंपैरिजन में हमारे पास संसाधन कम है, और दूसरा उसका वैकल्पिक प्रयोग है, वैकल्पिक प्रयोग है, वैकल्पिक प्रयोग। अब वैकल्पिक प्रयोग मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल
देखिए, आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, वो आपका एक संसाधन है, ठीक है। आप उसमें वीडियो भी देख लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, उससे फोन पे भी बात कर लेते हैं, मैसेज पे भी बात कर लेते हैं। तो संसाधन एक है, बट आप उसके अनेक प्रयोग करते हैं। जैसे पानी, पानी का प्रयोग हम खाने में भी करते हैं, सफाई में भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में भी करते हैं, मछली पालन में भी करते हैं, खेती में भी करते हैं। देखो, पानी केवल एक संसाधन है जो कि दुर्लभ है, अगर इसकी तुलना से तोला जाए, और उसका एक ही प्रयोग होता तो समस्या नहीं थी। परंतु दोस्तों, समस्या ये भी है कि पानी का प्रयोग केवल और केवल खाने के लिए नहीं, खेती के लिए नहीं, अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, तो वैकल्पिक प्रयोग है। तो इस वजह से एक अर्थशास्त्री को निर्णय लेना पड़ता है कि पानी जो कि हमारे पास कम मात्रा में है, उसे किस किस गतिविधि के लिए, किस आर्थिक क्रिया के लिए कितना अलॉट किया जाए, यानी कितना उसका वितरण किया जाए। और इन्हीं सभी समस्याओं का जो समाधान हमें जो देता है, वो देता है अर्थशास्त्र। इसलिए दोस्तों, अर्थशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट विषय माना जाता है, यही रीजन है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि इस चीज को मैं समझाऊंगा तो वो चीज आपको आर्थिक समस्या पता होनी चाहिए थी। तो मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दो तरीके का है, अगर हम इसको आर्थिक समस्या के आधार पर बांटते हैं। किसके आधार पर? आर्थिक समस्या के आधार पर बांटते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला तो है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सॉरी ये अर्थशास्त्र लिखना था। दूसरा है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसकी मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, अर्थशास्त्र। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इकोनॉमिक्स के चश्मे से देखते हो, अगर आपने एक चश्मा पहन रखा है जो कि एक अर्थशास्त्री का चश्मा है, तो आपको पूरे भारत में या पूरे विश्व में तीन ही तरीके के लोग दिखेंगे। एक तो दिखेंगे आपको कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, दूसरे आपको दिखेंगे प्रोड्यूसर, और तीसरा आपको दिखेगा सोसाइटी यानी समाज दिखेगा। बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों, अगर हम उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, अगर हम बात करें उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, उपभोक्ता की समस्याओं का अलग अध्ययन करें, उत्पादक की समस्याओं का अलग अध्ययन करें, और समाज की समस्याओं का भी अलग से अध्ययन करें, यानी अल्टीमेटली मैं कहूं कि हम व्यक्तिगत स्तर पर, यानी हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करें, व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करें आर्थिक समस्याओं का। किसका दोस्तों? व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक समस्याएं, समस्याओं का अध्ययन करें, तो दोस्तों वो कहलाएगा हमें हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि जब हम केवल उपभोक्ता के संतुलन स्तर की चर्चा करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, देखो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा, तीन मेन टॉपिक पढ़े, उपभोक्ता के संतुलन स्तर को कैसे प्राप्त किया जाए, उत्पादक के संतुलन स्तर को कैसे प्राप्त किया जाए, और बाजार के यानी पूर्ण प्रतियोगिता जो कि एक समाज का हो गया एक एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से, यानी उपभोक्ता की अलग, उत्पादक की अलग और समाज की अलग, इन तीनों की समस्याओं का अलग अलग अध्ययन करते हैं और अलग अलग समाधान करते हैं, और बहुत ज्यादा सूक्ष्म लेवल पर, जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे हम करते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में सोच के चलते हैं, तब हम दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो आप बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर आप इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखें ना, तो ये लिखा है व्यष्ट, व्यस्त, ये जो वया है ना, इसका मतलब है व्यक्ति, और सट का मतलब है स्तर, यानी जब व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब आ जाते हैं दोस्तों हम आज के मेन टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र है कोई हलवा नहीं उठाया और खा लिया, हर चीज को बताने के लिए उसका पहले बेस बनाना जरूरी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, 19 मिनट के करीब वीडियो हो गया है और मैं आपको आधारी बना रहा हूं। वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एग्री हैं मेरी बात से, मुझे कमेंट में लिखें
कि हाँ हम लंबा वीडियो चाहते हैं बट आप डिटेल में बताएं तो मुझे जरूर बताएं। तो देखिए, अब मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र को समझा सकता हूं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि उपभोक्ता कंज्यूमर प्लस उत्पादक प्रोड्यूसर प्लस सोसाइटी, इन तीनों की समस्याओं का एक साथ अध्ययन किया जाए। जैसे एग्जाम्पल, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं दोस्तों, तो क्या हम उपभोक्ता की अलग करते हैं, उत्पादक की अलग करते हैं, समाज की अलग करते हैं? नहीं ना, सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय का मतलब उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, इन तीनों से मतलब है। या हम एक और बात कहें, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, ये भी हम क्या उपभोक्ता उत्पादक समाज तीनों पे अलग अलग करते हैं? नहीं ना। तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाऊं, तो मैंने अभी आपको समझाया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र बता दिया मैंने आपको। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब दोस्तों, मैंने ये तो आपको समझा दिया कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें मेन बात कहें तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक आर्थिक समस्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, मैंने ये कहा, ठीक है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था व्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूं, तो जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए आपके लिए, जैसे मैंने लिया उपभोक्ता का संतुलन स्तर। तो उपभोक्ता का संतुलन स्तर जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं उपभोक्ता की बात कर रहा है, इसमें उत्पादक का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो उपभोक्ता का संतुलन स्तर है, ये एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक चर है। अब दोस्तों, आपने सुना होगा चर क्या होते हैं, आपसे कभी पूछते हैं कि भाई समष्टि आर्थिक चर, व्यष्टि आर्थिक चर, तो व्यष्टि आर्थिक चर, चर का मतलब है जिसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उपभोक्ता का संतुलन स्तर जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, ये एक आर्थिक पक्ष से रिलेटेड है, तो ये कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक चर। जबकि इसके विपरीत मैं लूं राष्ट्रीय आय या देशीय आय, या मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया समर्ग मान, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये समर्ग मांग मैंने लिया एक बेसिक, तो मैंने बताया आपको कि समर्ग मांग क्या होता है। समर्ग मांग बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम समर्ग मांग की बात करते हैं तो इसमें उपभोक्ता, उत्पादक और समाज तीनों की मांग को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है। तो ये व्यष्टि नहीं हो सकता, ये समष्टिक आर्थिक चर है दोस्तों, जिसे हम समूचे भी कह सकते हैं, जो आज का टॉपिक है। एक और एग्जाम्पल दूं तो मैंने कहा उत्पादक का संतुलन स्तर, मैंने लिया एक एग्जाम्पल उत्पादक का संतुलन स्तर का अध्ययन हम किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, तो ये व्यष्टि आर्थिक चर कहलाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं मुद्रा आय स्फीतिक,
कहूं, समर्ग मांग कहूं, समर्ग उपभोग कहूं, समर्ग निवेश कहूं, देसी आय कहूं, सामान्य कीमत स्तर कहूं, तो ये कैसे चर है? ये समष्टि आर्थिक चर है। अब आपको मैंने शुरुआत में जो टॉपिक कहा था कि भाई आज का जो टॉपिक है वो आर्थिक प्रणाली के समूचे हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूं। अब आपको समझने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, समष्टिक आर्थिक आर्थिक प्रणाली प्रणाली के समूचे, यानी आर्थिक प्रणाली के समूचे कहें हम इन्हें, या अर्थ समष्टिक समष्टिक अर्थशास्त्र के आर्थिक चर कहें, बात एक ही है। एक्चुअल में ये होते क्या है, आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये होते क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों, इनका प्रभाव इनका इनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। सबसे मेन चीज देखिए दोस्तों, अगर हमारी देशी आय बढ़ रहेगी तो पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था पे उनका इंपैक्ट पड़ेगा। समग्र मांग में वृद्धि होगी या समग्र उपभोग में वृद्धि होगी या कमी होगी, निवेश में वृद्धि होगी कमी होगी। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आर्थिक प्रणाली के समूचे किन्हें कहते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करते हैं, जिनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जैसे एग्जांपल समर्ग मांग, समर्ग पूर्ति, समर्ग उपभोग, समर्ग निवेश, देसी आय या सामान्य कीमत स्तर, इन सभी का जो प्रभाव है आप जानते हैं दोस्तों किस पे पड़ेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको समझना है, इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई भी ऐसे आर्थिक चर जो पूरी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालते हैं उन्हें ही हम कहते हैं आर्थिक प्रणाली के समूचे। अब इनमें वन बाय वन हम समझते हैं कौन कौन से हम पढ़ेंगे। देखिए हमारे छह मेन है जो आपको ट्वेल्थ में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नंबर एक पे आता है हमारा समर्ग मांग, समर्ग मांग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम एडी से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में एडी, एग्रीगेट डिमांड। दूसरा आता है हमारा समर्ग पूर्ति जिसे हम ए एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा समर्ग उपभोग, समर्ग उपभोग जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, समर्ग। दोस्तों ये समर्ग वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये समष्टिक आर्थिक चर है, क्योंकि ये समष्टिक आर्थिक चर है, या हम कह सकते हैं कि ये समस्त आर्थिक प्रणाली के आर्थिक प्रणाली के समूचे हैं। समर्ग का मतलब यहां से डिनोट कर हो रहा है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालते हैं, तभी दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक प्रणाली के समूचे। आप समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल, जब हम व्यष्टि में करेंगे ना इनका अध्ययन तो हम सिर्फ मांग बोलेंगे, पूर्ति बोलेंगे और उपभोग बोलेंगे। जैसे ही समष्टि में आएंगे ना, जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर की बात होगी तो इनके आगे समर्ग वर्ण लग जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा समर्ग उपभोग, समर्ग निवेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है निवेश। इसके बाद आ गया हमारा पांचवा देसी आय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये जो हमारी देसी आय जो है ना, इसकी गणना, इसकी विधियां मैं सब समझाऊंगा, पहले भी मैं समझा चुका हूं, पूरी सीरीज बना चुका हूं, बट वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है, वो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती, आप कॉपी में लिख के बताएं। तो मैं दोबारा से एक वीडियो में आपका समष्टि का बनाऊंगा, एक वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का बनाऊंगा, ऐसे में अल्टरनेट डेज में बनाऊंगा। तो पांच छठा हमारा पॉइंट आता है सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर। तो ये हमारा छह हमारे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समर्ग मांग की, पॉइंट वन लेते हैं समर्ग मांग। अब ये समर्ग मांग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर समर्ग मांग क्या होता है। बहुत ही सिंपल,
इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से है। यानी दोस्तों, जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमाओं में जितनी भी वस्तुओं तथा सेवाओं की का उत्पादन होता है और वहां के उपभोक्ता, उत्पादक और समाज तीनों के द्वारा जो उनकी मांग की जाती है, अगर उसको हम जोड़ दें तो उसे हम क्या कहते हैं? समग्र मांग। तो इसके लिए हम एक मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि ये सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग को हम कह सकते हैं। यानी इसके लिए दो मेन पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया कि ये सभी सभी वस्तुओं वस्तुओं या सेवाओं की कुल मांग को डिनोट करता है, कुल मांग को, या समग्र मांग को डिनोट करता है। जो एक लेखा वर्ष के दौरान यानी आने वाले समय में या वर्तमान समय में हमारे देश में उत्पादित की जा रही है। दूसरी बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसे हम अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तु तथा सेवाओं की खरीद पर किए जाने वाले कुल व्यय के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो गणना होती है ना दोस्तों, आप याद रखेंगे, इसकी गणना हमेशा मतलब विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं और जो सेवाएं उत्पादित की जाती है। जैसे मैं आपको इसको और ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ, तब ज्यादा मजा आएगा आपको। देखिए, एक होता है हमारा परिवार क्षेत्र। आप मान के चलिए कि एक देश की अर्थव्यवस्था में दो ही स्तर है, दो ही क्षेत्र है, एक परिवार और एक उत्पादक। ठीक है, हमने मान लिया कि ना बैंकिंग व्यवस्था है ना ही सरकार है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो परिवार वाले होते हैं वो उत्पादक वर्ग को क्या देते हैं? कारक सेवाएं देते हैं, जो कि देते हैं श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम, यानी इंटरप्राइज, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में अगर कहें, एक एक लफ्ज में कहें इससे, तो इन्हें हम एक लफ्ज में कह सकते हैं कारक सेवाएं, कारक सेवाएं। अब दोस्तों, सेवाएं दी हैं तो मेवा भी मिलेगा। मेवा किसकी तरफ से मिलेगा? उत्पादक वर्ग से। तो यानी कोई भी देश की गतिविधि होती है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक है एक देश में, उसे वस्तु तथा सेवाएं तो चाहिए। अब वस्तु तथा सेवाएं चाहिए तो भैया उत्पादन भी करना पड़ेगा। उत्पादन कैसे होगा भाई? सबसे पहले परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को अपनी कारक सेवाएं देगा, जिसके बदले में ये जो उत्पादक क्षेत्र है परिवार क्षेत्र को कारक आय देगा। कैसी कारक आय? श्रम के बदले में देगा वो मजदूरी तथा वेतन भाई, पूंजी के बदले में देगा वो ब्याज भाई, भूमि के बदले में देगा वो किराया तथा लगान, और उद्गम के बदले में देगा वो लाभ। जिसे हम एक शब्द में कहें तो हम एक शब्द में इसे कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात, हम इसे कह सकते हैं कारक आय, कारक आय। अब दोस्तों, ये जो आय आ गई है परिवार वालों के पास अपनी कारक सेवा के बदले में। देखिए, आपके माता पिता या आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ अपना पैसा शेयर मार्केट में या बैंक में रखते हैं, या कुछ अपने घर मकान किराए पे देते हैं, जमीनें किराए पे देते हैं, या कुछ बिजनेस करते हैं। जो श्रम देते हैं उन्हें सैलरी मिल जाती है, ठीक है, जो भूमि देते हैं, मतलब समझ गए आप। अब ये जो कारक आय इनके पास आ गई, कारक आय, अब ये जो कारक आय इनके पास आ गई दोस्तों, क्या अब ये छाती पे रख के घूमते रहेंगे? नहीं ना, इन्हें अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की, बहुत सारी इनकी आवश्यकताएं होती हैं, जो कि दोस्तों हमारी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की सेवाएं पूरा करती हैं। अब भैया बाजार में अगर आप जाओगे तो कोई भी वस्तु खरीदोगे, कोई भी सेवा खरीदोगे, तो आपको बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, आय खर्च करनी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा भाई। आय हमारी क्या हो जाती है? व्यय में कन्वर्ट हो जाती है। और एक लेखा वर्ष के दौरान अगर हम इन्हीं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पे किए जाने वाले व्यय को जोड़ दें, भले वो व्यय एक उपभोक्ता के द्वारा किया जाए,
भले वो एक उत्पादक के द्वारा व्यय किया जाए या भले दोस्तों वो सोसाइटी के द्वारा किया जाए, हम तीनों के व्यय को जोड़ दें जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं पे किए जाएगा, उसे ही हम कहते हैं दोस्तों समग्र मांग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तभी मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए कि इसकी गणना विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं के व्यय के रूप में की जाती है। व्यय व्यय के रूप में की जाती है, सबसे मेन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपने ये समझ लिया कि समग्र मांग क्या होता है। आपको ये भी समझ में आ गया कि इसे कुल व्यय के रूप में नापा जाता है। अब बात करते हैं समग्र पूर्ति की। अब हम समझेंगे कि भाई समग्र पूर्ति क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति बहुत ही सरल सी बात। समग्र मांग मैंने आपको समझा दिया, अब मैं समग्र पूर्ति समझाता हूं आपको। इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान वस्तु तथा सेवाओं के कुल उत्पादन से है। अब देखिए उत्पादन से, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात। मैं उस डायग्राम को पूरा कंप्लीट समझाता हूं तभी आपको ये दोनों चीजें क्लियर होगी। आगे ये है और भी ज्यादा हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप इसको अभी के अभी समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक हमारा पहला क्षेत्र है हमारा परिवार, ठीक है। दूसरा क्षेत्र है हमारा उत्पादक, दूसरा क्षेत्र हमारा क्या है, उत्पादक। बहुत ही सिंपल, पहला क्षेत्र है हमारा परिवार, दूसरा क्षेत्र है हमारा उत्पादक। अब भाई सबसे पहले राउंड में क्या होता है कि ये अपनी कारक सेवाएं देते हैं, क्या देते हैं, कारक सेवाएं देते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताई श्रम पूंजी भूमि, अभी मैंने चार बताई। इसके बदले में दोस्तों हमारी एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, समर्ग मांग अब आपको समझ में आ जाएगी कि समर्ग मांग का अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ना, उत्पादन किया जाता है ना, उसे ही दोस्तों हम कहते हैं समर्ग पूर्ति। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसे आप शॉर्ट में जीडीपी भी कह सकते हैं। तो देखिए ये हो गया उत्पादन, ये तो हो गया हमारा पहला राउंड। पहले राउंड में क्या हो गया कि भाई परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं दी, उत्पादक क्षेत्र ने परिवार क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाएं का उत्पादन किया और बाजार में पहुंचा दी। अब क्या होगा दूसरे राउंड में, दूसरे राउंड में क्या होगा दोस्तों कि ये जो है ना, ये जो है इसके अपनी कारक सेवाओं के बदले में, परिवार क्षेत्र की कारक सेवाओं के बदले में देंगे कारक आय, क्या देंगे कारक आय। और यही जब इनके पास कारक आय आ जाएगी तो ये परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या देंगे, इन्हीं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं पर क्या करेंगे, व्यय करेंगे। अगर हम इस व्यय को नापें तो ये कहलाता है हमारा क्या, समर्ग मांग। ये क्या कहलाता है, समर्ग मांग कहलाता है। और अगर हम इस उत्पादन को जोड़ें तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है, समग्र पूर्ति, खत्म। अगर दोस्तों आप ये वाला जो मैंने ब्लैक से बनाया है, सॉरी ग्रे, ये जो हमारा है, ये जो फ्लो है जिसमें हमारी कारक सेवाएं, जिसमें हमारी कारक सेवाएं जाती हैं और बदले में हमारी आती है वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन, तो इसे हम कहते हैं आय का, और सॉरी वास्तविक आय का चक्रीय प्रभाव, यानी वास्तविक प्रभाव, वास्तविक प्रभाव, रियल फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप इसे कह सकते हैं। और ये जो आपके बदले में जाता है, एक तरफ से व्यय जाता है एक तरफ से, इसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अगर हम वास्तविक प्रवाह प्लस मौद्रिक प्रवाह दोनों को जोड़ दें तो वो आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है, जो कि अर्थशास्त्र के सभी चैप्टर को, समष्टि अर्थशास्त्र को तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमारा कहलाता है वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक प्रभाव, और जिसमें हमारी एक तरफ से कारक आय आती है और दूसरी तरफ हमारा व्यय होता है वस्तु तथा सेवाओं पर, इसे हम कहते हैं मौद्रिक प्रभाव।
क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह। और दोस्तों अगर हम आय के चक्रीय प्रवाह की बात करें, आय के चक्रीय प्रवाह की बात करें, तो उसमें शामिल होता है हमारा वास्तविक प्लस मौद्रिक। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। तो देखिए इसी प्रवाह से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो व्यय को नापते हैं एक लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे, तो वो कहलाता है हमारा समग्र मांग। और अगर हम उत्पादन की गणना करें एक लेखा वर्ष के दौरान, तो वो कहलाती है समग्र पूर्ति। बहुत ही सिंपल सी बात है इसको समझना। तो इसके लिए हम दो पॉइंट ऐसे समझ सकते हैं कि सब कहते हैं समग्र पूर्ति का अभिप्राय क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का एक लेखा वर्ष में उत्पादन, और उत्पादन के लिए चाहिए उत्पादन के कारक जो कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को मुहैया कराता है, जिसके बदले में परिवार क्षेत्र को चाहिए जीवन जीने के लिए वस्तुएं जो उत्पादक क्षेत्र इनको देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये मूल्य वृद्धि करता है। देखिए उत्पादन में क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि देखिए इसमें एक सिंपल से ज्यादा समग्र पूर्ति में एक तो हमारी उपयोगिता का सृजन होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो वो ज्यादा उपयोगी हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें मूल्य वृद्धि होती है, मूल्य वृद्धि, क्योंकि बहुत सारे उत्पादक प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा क्या है, समग्र उपभोग। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समग्र उपभोग। अब देखिए समग्र उपभोग अगर हम एडी की बात करें तो एडी में दो एलिमेंट होते हैं समग्र मांग में। देखिए समग्र मांग में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है एडी इक्वल टू सी प्लस आई, जबकि एएस के दो एलिमेंट होते हैं सी प्लस एस। अब आपको ये नहीं समझ आता होगा कि भाई एडी के दो घटक सी प्लस आई कैसे आ गया, एएस के दो घटक सी प्लस एस कैसे आ गया। बहुत ही सिंपल, यहां पे सी का मतलब है समग्र उपभोग से, आई का मतलब है समग्र निवेश से। जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार से विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो उसे हम कहते हैं उपभोग। और पूरे देश में इसको जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है समग्र उपभोग। निवेश की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बाजार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करता है परंतु अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उत्पादन के लिए, भले वो स्थिर हो भले वो करंट एसेट्स हूं, तो उसके लिए हम निवेश कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये चीज तो आपको वैसे ही क्लियर हो गई कि समग्र उपभोग क्या है। मैं अगर इसको एक लाइन में आपको समझाऊं, इसका अर्थ एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से है, भले वो व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदी जाए, भले वो किसके लिए खरीदी जाए, भले वो व्यापारिक उद्देश्य से के उद्देश्य से के लिए खरीदी जाए। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा समग्र मांग है, इसे हम एडी से डिनोट करते हैं और इसके दो एलिमेंट होते हैं सी प्लस आई, एक बंद अर्थव्यवस्था में केंज के अनुसार। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए, क्योंकि अभी मैं इतना सारा डिटेल में नहीं बता रहा आपको। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। यहां पर ये जो सी है ना दोस्तों, इसका मतलब उपभोग, और उपभोग का मतलब है व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोग किया जाए, परंतु ये आय का मतलब यहाँ पे उपभोग नहीं है, निवेश है। और निवेश, जैसे एग्जांपल दूं दोस्तों, अगर आप एक कपड़े की मशीन खरीदते हैं अपने घर के लिए, तो वो आपका सी कहलाएगा, वो समग्र उपभोग कहलाएगा। बट अगर आप एक कपड़े सिलने की मशीन खरीदते हैं अपनी दुकान के लिए, तो फिर वो आपका निवेश कहलाएगा। देखिए हमारा जो व्यय होता है यानी एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो व्यक्तिगत उपभोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाए तो वो समग्र उपभोग कहलाएगा, और यदि वो अपनी
व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाए तो फिर दोस्तों वो समग्र निवेश कहलाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि आपको समग्र निवेश भी समझ में आ गया, और समग्र निवेश और उपभोग को समझने के लिए मैंने आपको बताया एक सिंपल सा लॉजिक। देखिए, आप फिर द्वारा इस डायग्राम में आ जाओ। सबसे पहले परिवार क्षेत्र ने इनको क्या दी? कारक आय दी, कारक सेवाएं दी। उसके बदले में इन्होंने वस्तु, विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का वह दिया। अगर हम इस उत्पादन को नापे तो वो हमारा समग्र पूर्ति है। फिर इन्होंने इसके बदले में इन्हें कारक आय दी, और कारक आय के बदले में इन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय दिया। अब ये जो व्यय है ना, जो बाजार में हुआ है, ये व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हो सकता है। व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है तो ये दोस्तों फिर क्या कहलाएगा? समग्र उपभोग कहलाया जाएगा। और अगर ये दोस्तों व्यापारिक व्यापारिक व्यापार के उद्देश्य के लिए किया गया है, कोई मशीन खरीदी गई है, कोई रॉ मटेरियल खरीदा गया है, कच्चा माल खरीदा गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी गई है, स्थिर उपभोग स्थिर पूंजी पर निवेश किया गया है, या फिर कच्चे माल पर किया गया है, तो फिर वो कहलाएगा दोस्तों समग्र निवेश। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अभी मैं आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा। आई थिंक वीडियो 50 मिनट के आसपास का होने वाला है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि समय घरेलू आय क्या होती है। घरेलू आय, अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आगे हमने यही सब पढ़ना है। हमने समग्र मांग को डिटेल में पढ़ना है, समग्र उपभोग को, समग्र निवेश को भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इन सबको हमने डिटेल में पढ़ना है, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बता रहा हूं, और ये समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चर हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर हम घरेलू आय की बात करें तो इसका अर्थ एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमाओं में अर्जित आय से है। ये भी इसी डायग्राम से समझ आ जाएगा। देखिए, परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को क्या दिया? कारक सेवाएं। इसके बदले में इनको विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति करा दी गई उत्पादकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के बाजारों में, ठीक है। फिर इन्होंने इनके काम के बदले में इन्हें दी कारक आय। तो अगर यही कारक आय को जोड़ दिया जाए घरेलू सीमा में, तो वही कहलाएगी दोस्तों घरेलू आय। इज दैट क्लियर? और बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, अगर हम घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दें तो फिर वो हमारी कहलाएगी राष्ट्रीय आय। तो देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र उपभोग, समग्र निवेश, देशी आय या सामान्य कीमत स्तर। तो आपको घरेलू आय भी समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। अब छठा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, सामान्य कीमत स्तर। अब दोस्तों सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? इससे अभिप्राय एक विशिष्ट समय अवधि के अंत तक सभी वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों के सूचकांक से है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं गेहूं। अब गेहूं की दो तरीके की कीमतें हैं, एक रिटेल मार्केट में और एक होलसेल मार्केट में। तो जो रिटेल में गेहूं की क्या कीमत रही पूरे 2020 में, 2019 में, 2018 में, या हम कहें कि चावल, सब्जी, दाल, लीकर, जैसे मैं कहूं कॉटन की, ठीक है, कॉटन की कहूं, गोल्ड की कहूं, सिल्वर की कहूं, किसी भी संसाधन की बात करूं, जो भी सीमित संसाधन है, क्योंकि हम सीमित संसाधनों का ही अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, किसी भी सीमित संसाधन की कीमत किसी समय अवधि तक, विशिष्ट समय अवधि, पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में, यानी त्रैमासिक के हिसाब से देखें कितनी रही। दो तरीके के सूचकांक होते हैं, एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है, जो कि रिटेल में कोई वस्तु, जैसे ये मार्केट में कितने का मिला, 12 रुपए का, क्या ये होलसेल रेट में भी इतने का ही होगा? नहीं दोस्तों, कम होगा। तो सामान्य कीमत स्तर का मतलब है जो विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं की थोक की कीमत और बाजार की, रिटेल की कीमत को बताता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।